दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई विकास और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के सोशल साइंस से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने हिस्ट्री का इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, उसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आज मैंने यहाँ से 16वां क्वेश्चन से सॉल्व करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। 16वां प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 16वां प्रश्न है दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों, यहाँ पर हिंद चीन होगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। 20वां प्रश्न, एंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। एंकोरवाट का मंदिर भी कंबोडिया में ही है। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉन बोई चाओ। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। 27वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में मांगा गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की थी। अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 ईस्वी। 30वां प्रश्न है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवेनेजर हार्वर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय।